श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन उन्होंने कहा था कि दी है। 24 में तो मोदी जी आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। वहाँ बैठ के कभी आँख मारता है, कभी फ्लाइंग बेचता है, कभी कुछ करता है। मोहब्बत की दुकान खोली है तो उसमें क्या बेचेगा। पीएम मोदी कश्मीर के दौरे पे हैं और अगर बात की जाए तो कश्मीर से आतंकवादी संगठन की तरफ से कश्मीरी हिंदुओं को जो है वहां से पलायन करने के लिए बोला गया है। ये बोला गया है कि वहां से पलायन कर जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। क्या लगता है कैसी गतिविधियां जो हो रही हैं? ये बोला गया था कि धारा 370 हटाने के बाद कश्मीर का जो है वो रवैया बदल गया है, कश्मीर की तस्वीर जो है वो बदल गई है, लेकिन फिर से आतंकवादी सर उठा रहे। ऐसा है कि पीछे खबरें आई थी कि जो हिंदू हैं दूसरे मतलब प्रदेशों से गए हुए हिंदू जो है मजदूर जो है उनको मार दिया गया और कहा भी चले जाओ। तो ये जो है ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उनके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। वो दौरे पे भी गए हैं कश्मीर के ऊपर, कोई नई सौगात जो है कश्मीर वालों को आज मिलेगी? हाँ दी है सौगात उन्होंने, मैंने वो देखा था उनका आज का जो था प्रोग्राम उनका, और उसमें वो कह रहे थे कि कई हजार करोड़ की उन्होंने सौगातें दी हैं जम्मू को और कश्मीर में भी फिर वो जाएंगे। रेलवे लाइन जो है ना श्रीनगर से कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन उन्होंने कहा था कि दी है, पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो जम्मू से जाती थी। आप मानते हैं कि मोदी के आने के बाद कश्मीर की तस्वीर बदली या फिर पहले भी कांग्रेस ने वहां पे कुछ किया? नहीं तस्वीर तो बहुत बदली है, लेकिन जो है ना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और इसकी वजह से जो सरकार के वायदे हैं उनमें मतलब सच्चाई नजर आती है, लेकिन जो उधर से आतंकवादियों से जो मारे जा रहे हैं उनके द्वारा जो मारे जा रहे हैं लोग वो बहुत खतरनाक है, उसको सख्ती से रोकना पड़ेगा। मोदी कहते हैं 2014 के बाद से जो है वो अब बम ब्लास्ट और इस तरीके के कोई जो है किस्सा सामने नहीं। हाँ नहीं आई और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश शांतिपूर्ण तरीके से मतलब नहीं रह सकता, लोग शांतिपूर्ण तरीके से नहीं रह सकते, वहाँ पर प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए। मतलब फारूक अब्दुल्ला जब थे तो रातों रात कह दिया गया पंडितों को कि चले जाओ जनवरी की ठंड में, तो ऐसा चीफ मिनिस्टर जो खुद ही उनके साथ मिला हुआ था आतंकवादियों के साथ, ऐसे चीफ मिनिस्टर का हिसाब होना चाहिए। क्या लग रहा है 24 में, क्या लग रहा है 24 में? तो मोदी जी आएंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्यों आएंगे? राहुल गांधी पूरी तैयारी में। राहुल गांधी क्या वो उसको अकल ही नहीं बात करने की, क्या उसको मतलब वहाँ बैठ के कभी आँख मारता है, कभी फ्लाइंग किस बेचता है, कभी कुछ करता है। मोहब्बत की दुकान खोली है तो उसमें क्या बेचेगा, बेचेगा क्या उसमें दुकान में, कुछ कुछ है ही नहीं उसकी अकल में। आदमी जब बोलता है तो उसकी वो उसका इंट्रोडक्शन होता है, वो क्या है उसकी क्या पर कितने पानी में है ये सब वहाँ से पता लगता है। वो जब भी बोलता है यहाँ तो कुछ पढ़ाया हुआ बोलता है, नहीं तो उलझुल बोलता है। अखिलेश यादव ने भी अपने आप को अलग कर लिया, सपा अलग हो गई है इंडिया का? हाँ जी होगी सपा अलग और गठ, और ये जो है ये मतलब राहुल गांधी भी रिलायबल नहीं है। जो आदमी कोर्ट की इज्जत नहीं करता, काले कपड़े पहन के सड़कों पे आ जाता है तो कोर्ट का अपमान करता है। इंदिरा गांधी ने भी कोर्ट का अपमान किया था, एक कोर्ट ने उनको हटा दिया था अपनी सीट से, तो उन्होंने एमरजेंसी लगा दी, जेल में लाखों लोगों को ठूस दिया, उनमें एक मैं भी था। तो इसलिए जो है ना ये डिक्टेटरशिप वाली फैमिली है, इनको आने ही नहीं चाहिए, नहीं आनी चाहिए। बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार जो है जनता की राय हम आपको दिखा रहे हैं, आप लोगों की कह रहा है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।